हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो का टॉपिक है शर्ट कलर। जी हाँ, आज मैं जो है ना आपको ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है इसी तरह का कलर की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने ये पेपर फ्यूज है, इस पर जो है ना हम कॉलर की कटिंग करेंगे। इस पट्टी की जो हम चौड़ाई लेंगे कॉलर कट करने के लिए 4 इंच की हम चौड़ाई लेंगे और लंबाई हमने लेनी है जितना हम कॉलर तैयार करें उससे 3 इंच एक्स्ट्रा। 15 इंच कॉलर तैयार करेंगे तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा, हमारा 18 इंच हो गया। तो 18 इंच पे निशान लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे और इधर भी 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हमने पट्टी काट ली है 4x18 की, इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब इस पर हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और 1.5 इंच का ही इधर, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब जितना हमें कॉलर तैयार रखना है यानी कि 15 इंच, तो 15 का आप 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम 1/2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और शेप पट्टी की सहायता से हम इस तरह से इसकी शेप दे लेंगे। अब इसके बाद इसकी जो हम इस पॉइंट से आगे लेंथ रखेंगे वो 1/4 इंच रखेंगे और यहाँ से हम बैन पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच में से 1 सूत कम। अब आपने इसका सेंटर कर लेना है जो हमने पॉइंट लगाया था इस तरह से, और आपने शेप पट्टी की सहायता से इस तरह से फिर शेप दे लेनी है। अब इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे दोनों को थोड़ा तिरछा, चाहो तो आप इसे गोल भी कर सकते हो। हम बैंड पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1/2 इंच। अब इसकी भी हम शेप दे लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम कॉलर की नोक निकाल लेंगे, ये जो हमारी यहाँ से मेजरमेंट लेंगे हम, जो 1/2 इंच डाउन किया था हमने, 2.5 इंच हमारा निशान रहेगा और इस लाइन से 2 सूत एक्स्ट्रा लेना हमने इसको, यानी कि यहाँ ये इस निशान पर। और जो कॉलर की चौड़ाई रखेंगे हम रखेंगे 1.5 इंच। अब इसको भी हम शेप पट्टी की सहायता से इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। जब हमारे 15 इंच कॉलर की मार्किंग तैयार हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कॉलर बन गया है। यदि आप भी चाहते हो कि आपको बार बार कॉलर इस तरह से मार्किंग ना करनी पड़े, तो आप एक आपके पास जो है ना एक ऑप्शन और है। आपने जैसे ये
कॉलर की कटिंग कर ली है। इसके बाद आप कोई भी इस प्रकार का गत्ता ले सकते हो पैटर्न बनाने के लिए। तो आपने करना क्या है, इसको यहाँ से बिल्कुल मिलाना है आपने इस तरह से। इसके बाद इस पर आपने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। देखिएगा इसी प्रकार आप थोड़ा सा दूर हटा के इसको इस तरह की मार्किंग कर ली। इस तरह की मार्किंग करने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिएगा, ये हमारे पास 15 इंच का कॉलर तैयार हो गया है। ये पैटर्न है। अब इसकी सहायता से आप चाहो तो किसी भी साइज़ का कॉलर काट सकते हो। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी पर बता देता हूँ आपको। मान लो आपको 14 इंच का कॉलर काटना है तो आपने 7 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। एक निशान ये लगाना, 1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा था, इसी पर कलर इस तरह से आएगा। तो आपने बैंड को इस निशान पर लगाना है जो हमारा तैयार है, यानी कि 14 इंच पे, 14 का आप 7 इंच पे हमने निशान लगाया है। इस तरह से आपने को बैंड को इस तरह से रखना है आपने, और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है इसकी। इस तरह से आपकी बैंड की कटिंग हुई। इसी तरह से आप इसको यहाँ पर रख के, इस नोक को इसके ऊपर रख के और इसकी मार्किंग कर लीजिएगा। ये हमारे पास गत्ता कम पड़ रहा है तो इसकी मार्किंग इस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये 14 इंच का कॉलर कट के हमारा तैयार हो जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा लेना है, 7.5 से भी ज़्यादा लेना है, तो मान लो आपको 8.5-17 इंच लेना है तो 8.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर सकते हो। और बैंड को इसी तरह से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से। फिर आपने इसी की तरह मार्किंग कर लेनी है, थोड़ा इधर बढ़ा के मार्किंग कर लीजिएगा। मैं आपको दूसरे पे करके दिखा देता हूँ। ये पेस्टिंग देखिए, अगर आपने बड़े कॉलर काटना है, 8.5 इंच का कॉलर पर निशान लगाया इस तरह से। आपने ये पैटर्न रखा इस तरह से, ये मार्किंग करी, इस तरह की उसको इस तरफ बढ़ा लिया। फिर यहाँ पे आपने बैंड का देखे, और इसी तरह से फिर आपने ये रख लेना कॉलर। तो फ्रेंड्स, आप इस पैटर्न की सहायता से छोटे या बड़े किसी भी साइज का कॉलर कट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है। आगे आप इसको संभाल के रखिएगा। जब भी आपने कॉलर की कटिंग करनी है तो आप ये कॉलर कट कर सकते हो। अभी मैं आपको जो कॉलर कट करके दिखाया था उसको सिलाई करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स,
इस कपड़े पे हम कॉलर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चिपका लेते हैं। आपको अच्छी तरह से इसको चिपका लेना चाहिए ताकि ये उतरे ना। अगर उतरेगा तो बाद में दिक्कत आएगी सिलाई करते समय। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमने इसको चिपका लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, हमने इसके साथ साथ ये कटिंग करनी है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से कॉलर के साथ साथ करनी है, ना कि बैंड के साथ साथ। और जितना ही मार्जिन हमने इधर लिया है इतना ही मार्जिन हमने इधर भी लेना है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है, इतना स्पेस देके बैन में चारों तरफ और कॉलर में तीन साइड में। तो फ्रेंड्स इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़ लेना हमने एक पैर की सिलाई लगाकर। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट लेना है वो। अब इसके सेंटर में हमें एक कट लगाना है। इस तरह से अब इस कपड़े पे हम कॉलर को बनाएंगे। इस तरह से कपड़ा नीचे कॉलर ऊपर रखना हमने। एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके साथ साथ। ध्यान रहे कि सिलाई जो है ना ऊपर नीचे नीचे है, पेस्टिंग है बुकरम के ऊपर, बिल्कुल इसके साथ साथ चलनी चाहिए सिलाई। और नीचे वाला कपड़ा जो है ना आपने हल्के हाथ से खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो ढीला छोड़ोगे तो सरवटे पड़ जाएगी इसमें। इस तरह से जो नीचे लूजिंग है कपड़े की आपने इस तरह से निकाल लेनी है, बिल्कुल बराबर रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम साथ साथ से इतनी दूरी पर। अब इसकी गोलाई में हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा खींच लेंगे। अब इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। कैंची की सहायता से या सुई की सहायता से आप इसकी नोक निकाल लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल सफाई से। अब इसके बाद आपने इस तरह से नखून से इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये लब परली तरफ पलट जाए। अब इसके पास हम जो है ना इधर एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। Thank you.
और यहाँ पर आने के बाद हमने ये किनारे की सिलाई यहाँ पर लगानी है इस तरह से, और कपड़े को इस तरफ प्रेस करना है ताकि नीचे सलवटे ना रहे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर से भी देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमारा काम हुआ है, कोई सलवटे वगैरह नहीं है। अब इसके सेंटर में कट लगा लेंगे हम। इस तरह से अब जो हमने बैंड तैयार की थी इस बैंड को इसके ऊपर रखेंगे कट से कट मिलाकर, और बराबर मिला के हमें इस तरफ आ जाना है और यहाँ पर इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल बैंड को हमने खींचना नहीं है, कट से कट मिला के चलना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसके बाद हम एक कपड़ा और ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम इस बने हुए कॉलर को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से अपनी सिलाई चालू करेंगे, एक टाका छोड़ के, एक टाका छोड़ के पक्का करके हम यहाँ से चलाएंगे और उधर उतार लेंगे। जब हम इधर उतारेंगे तो यहाँ पर भी एक टाका हमें पीछे रखनी है मिसाई मशीन अपनी। देखो किनारे के साथ साथ जैसे ये सिलाई लगी है, ये इसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए हमारी, और कपड़े को हल्के हाथ से नीचे वाले को खींचते हुए, ज़्यादा नहीं खींचना, बस इतना ही करना है कि कपड़ा सुखड़े ना अंदर की तरफ। और अब इधर से भी आप इसी तरह से कर लेंगे। अब इसकी कटिंग भी कर लेंगे हम। कोने पे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब इसको पलट लेंगे हम इस तरह से। इसकी भी नोक निकाल लेंगे। अब हमने इसको पलटने के बाद इस पर एक नाखून लगा देना इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे, यहाँ से चालू करेंगे। हमने सिलाई को यहीं पर रोक देना है। अब इसकी जो है हम एक पैर की कटिंग कर लेंगे जो हमने दबाव में लेनी है। इसके बीच में भी एक कट लगा लेंगे हम। तो फ्रेंड देखिए ये कॉलर हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बड़ी सफाई से कॉलर बना हमारा, आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद आप इसको किसी भी कुर्ती, जेंट्स कुर्ती या लेडीज कुर्ती पे आप लगा सकते हो। ये देखिएगा दूसरी साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आई इसकी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।